कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा कथरी मा लोटे लड़का सयान तारा परिवार बेचारा कथरी। प्रतिभा प्रसन्न काव्य कलम साधक श्री जुमई खा आजाद जी आधुनिक अवधि कविता के शीर्ष कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। काव्य रचना की उर्वर भूमि प्रतापगढ़ जनपद के गोबरी ग्राम में 5 अगस्त 1930 को श्री सिद्दीक अहमद एवं श्रीमती हमीदा बानो की एकमात्र यशस्वी संतान के रूप में जन्म लेकर इस ग्राम्यांचल को अपनी विशिष्ट काव्य प्रतिभा से महिमा मंडित की है। विगत 60 वर्षों से जिस अथक साहित्य साधना द्वारा आपने अपनी कार्यत्री प्रतिभा का परिचय दिया है, उसके लिए अवधि जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा। कथरी तोहार गुनू जाने जे करे गुजारा कथरी माँ लोटे लड़का सयान सारा परिवार बेचारा कथरी माँ। अब तक आपकी 20 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, खंड काव्य, मुक्तक, गजल, गीत एवं लोकगीतों के संग्रह। वस्तुतः अवध अवधि की सेवा ही आपका जीवनोद्देश रहा है। जुमई खां आजाद जी ने जीवन और जीने की कला को बखूबी जाना पहचाना है। अपने विमल विवेक से मनुष्यता के मर्म को समझा है। छोटे बड़े सबसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार, आचार विचार की सादगी और कथनी करने की एकता आपके व्यक्तित्व की खास विशेषताएं हैं। कबीर की भांति आप वाह आडंबर एवं कुरीतियों पर करारा कशाघात करते हैं तथा नेता और व्यवस्था पर व्यंग भी। दहेज, बाल विवाह, अस्पृश्यता, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण एवं अन्याय अत्याचार का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता तथा सांप्रदायिक सद्भावना की अलख जगाते रहे। जात बिरादरी से कोसों दूर समाज एवं राष्ट्र धर्म आपका साध्य एवं आराध्य रहा है। सुकवि होने के नाते आप उसके सजग प्रहरी हैं। वस्तुतः गुरु नानक की भांति ना हिंदू ना मुसलमान की भावना में अटूट विश्वास रखने वाला आपका निश्चल रिज सरल व्यक्तित्व बेमिसाल और वंदनीय है। कवि जुमई खां आजाद जी का रविवार दिनांक 29 दिसंबर 2013 को देर रात प्रतापगढ़ जनपद के गोबरी स्थित उनके आवास पर निधन हुआ था। वे 85 वर्ष की आयु के थे। काफी दिनों से श्री आजाद का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उनके निधन से अवधि साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई। इसके अलावा कवि जुमई खां आजाद जी को अवधि अकादमी लोकबंधु नारायण स्मृति सम्मान, वर्ष 1983 में सारस्वत सम्मान, मलिक मोहम्मद जायसी पुरस्कार, अवधि साहित्य संस्थान अयोध्या के द्वारा अवध अवधि सम्मान, राजीव गांधी स्मृति सम्मान, वर्ष 1999 में अवधि अकादमी द्वारा जयसी पंचशती सम्मान। इसके अलावा वर्ष 2003 में डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा अवधि रत्न सम्मान से नवाजा गया।